टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो क्या होने वाला है। यस, आफ्टर लॉन्ग टाइम हम लोग जा रहे हैं अंतर स्पोर्ट्स में। मेरे शूज़ बहुत ज़्यादा फट गए हैं और आज हम लोग नए शूज़ लेने वाले हैं और नए ग्लव्स और इनर्स भी लेने वाले हैं। सर भी आ रहे हैं हमारे साथ और हमें उनके बिल्डिंग के नीचे रुक वेट करना है उनका। सो हम लोग जैसे ही सर आएंगे हम लोग निकलेंगे। सो अभी सर का फ़ोन आया था पापा को कि मैं निकल गया हूँ, अब भी निकलिए। सो चलिए लेट्स गो। कल की शॉपिंग, आज नया दिन है और आज 5 बजे जाना है एकेडमी। नाउ लेट्स मूव टू आवर मेन थिंग। सो इस पहले लाल कैरी बैग में क्या देखते हैं, इसमें है कुछ और, इसमें है शूज़ गोविन। ये जो गोविन कंपनी है इनके शूज़ है ये। सो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। सो दीज आर शूज़ के बॉक्स है, इसमें शूज़ यहाँ पे साइज चार्ट दिया है। एडल्ट कैटेगरी इंडिया यूरो यूके यूएस और सेंटीमीटर्स में। सो चलिए इसे ओपन करते हैं। सीधा से ऐसे एक एक निकालते हैं। देयर आर दे। सो ये रहे शूज़। क्या शूज है बॉस, नीचे से सोल भी बहुत अच्छा है। सो दिस इज गुड। और ये जो है ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। सो कितने भी ड्यू में अगर प्रैक्टिस करते हो आप, सो ये बहुत अच्छी शूज़ है। रफ एंड टफ शूज़, अगर आप ड्यू में प्रैक्टिस करते हो या बहुत पानी में, सो ये अच्छी क्वालिटी की है। किसी को लेने हैं तो ले सकते हैं। तो ये अशोक स्पोर्ट्स में अवेलेबल है। ये दूसरा भी खोल लिया है। सी दीज आर द शूज, ये बहुत अच्छे दिख रहे हैं। ये शूज हो गए। सो इसे हम लोग रखते हैं यहाँ पे। एंड देन एचडी के इनर्स, बैटिंग इनर्स खोलते हैं। ये देखिए एसजी कैंपस के हैं, इसे पे पहनता हूँ। दीज आर वेरी कंफर्टेबल टू मी और बहुत अच्छे बैठे हैं। एक्चुअली मेरा क्या हुआ है, जो मेरे सिग्मा के ग्लव्स है उसको ये इनर्स नहीं थे, तो उसका वेलक्रो भी खराब हो गया है। और यहाँ से जो अंदर का कम्फ ये जो होता है अंदर का प्रोटेक्शन का जो ऐसा गादी गादी जैसा रहता है वो भी निकल आ रहा है। सो मैंने कहा पापा को
नया ले ही लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जा रहा है। एक शॉट मारा तो वो निकल रहा है वेलक्रो, तो इसीलिए सो इसे भी हम लोग याद रखते हैं। नाउ खोलते हैं सबसे पहला आइटम एंड दी, और ये रहे द न्यू ग्लोव्स। मैंने आपको कहा था कि मेरा आपको बताता हूँ मैं, यहाँ यहाँ का जो कुशनिंग रहता है ना, ये पार्ट ही निकल गया था सिग्मा के ग्लव्स का। ये इसीलिए ये नए ग्लव्स एंड बी स्टीव स्मिथ का ब्रांड। यस दिस इज स्टीव स्मिथ, दिस इज DC380 बैटिंग ग्लव्स। सो दिस इज द न्यू लॉन्च इन अशोक स्पोर्ट्स। जिस किसी को भी लेने हैं वहाँ पे जाके परचेस कर सकते हैं बॉयज साइज। मेरे लिए तो काफ़ी कंफर्टेबल है बॉयज साइज, आप आपके साइज के अनुसार परचेस कर सकते हो। सी जो मैं राइटी हो तो मेरे ये 1, 2 और 3, 4 ये जो 4 पार्ट्स है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन है इसमें कंपेयर टू दिस एंड द लेफ्टी वंस। नाउ और एक सरप्राइज, HDL के शूज। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने तो ये ब्लू कलर के लिए है शूज, लेकिन अभी HDL के क्यों? सी मैं आपको बताता हूँ कि मैं सुबह 6 बजे एकेडमी जाता हूँ, मैं रुद्र और प्रथमेश। आप लोग को पता ही होगा और जिन लोग को भी नहीं पता होगा मैं बताता हूँ, सुबह बहुत ज़्यादा ड्यू रहता है, मतलब जो भी ग्राउंड है वो पूरा गीला होता है। क्या हुआ था, मेरा पुराना जो HDL का शूज़ था वो हमने परचेस किया और फिर वो मैं ग्राउंड को पहन के जाता था, वो विद इन 1.5 मंथ ही ख़राब हो गया। ये था रीज़न। एक सेपरेटली अलग एकेडमी के लिए जो मैं 5 बजे जाता हूँ और एक अलग SRCSM स्पोर्ट्स एकेडमी जाता हूँ वहाँ के। HDL दी लवली शूज, इसका पैटर्न बहुत ज़्यादा अच्छा लगा सबको ही, और ये पैटर्न थोड़ा यूज्ड किया हुआ है तो सर को भी पता था कि ये अच्छा क्वालिटी का है, अच्छा वैल्यू फॉर वर्थ फॉर मनी है। HDL का शूज थोड़ा बड़ा है कंपेयर टू दिस गोविन, सी यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके ये थोड़ा सा छोटा है और ये HDL का बड़ा है, और इसके स्टड्स भी बहुत अच्छे हैं, रबर स्पाइक्स इसके भी बढ़िया है। ये थोड़ा रफ एंड टफ है, देखो बहुत हार्ड जाता है प्रेस करने को भी, और ये देखो थंबनेल।